सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिख रही होगी, तो वीडियो आपको बीच में एक लोगो दिख रहा होगा जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है MS क्रिएटिव एक्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो का ट्यूटोरियल मैं लेके आया हूँ गाइस, इस तरह के लोगो को आप अपने वीडियो में कैसे ऐड कर सकते हैं, तो आज इस वाले वीडियो में मैं यही बताऊंगा। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखना, वरना भाई अगर तुम स्किप करके देखते हो तो कुछ पार्ट छूट जाते हैं, तो भाई पे तुम कमेंट करते हो या ऐसा नहीं हो रहा, तो वीडियो को बिना स्किप करके देखना। और गाइस, इस वीडियो को मैं कैपकट ऐप में एडिट करके दिखाने वाला हूँ, और भाई वीपीएन आप कोई सा यूज कर सकते हो। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आ गए अपने फोन के स्क्रीन की तरफ, तो सबसे पहले वीपीएन ऐप को ओपन करके भाई इसको कर लेते हैं नेट से कनेक्ट। जब भी वीपीएन ऐप में नेट कनेक्ट करो, अपने मोबाइल के डाटा को ऑन रखना है आप सभी को। इसके बाद आपको कैपकट ऐप ओपन कर लेना है। यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे कर देते हैं क्लिक। क्लिक करने बाद आपको एक फोटो को सेलेक्ट कर लेना है, ग्रीन रंग के मतलब हरे रंग के फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। भाई फोटो आप कहीं से भी डाउनलोड कर लेना, गूगल से या कहीं से भी, या भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से फोटो डाउनलोड कर लेना। तो भाई फोटो में कुछ वाई फाई लेयर्स आए, इसलिए मैं इस फोटो को यहाँ से जूम कर लेता हूँ। तो भाई फोटो कुछ आ चुके, इतना करने बाद आपको क्या करना है भाई, आपको नीचे ऑप्शन देना टेस्ट, इस पर कर देना आप सभी को क्लिक। क्लिक करने बाद यहाँ से ऐड टेस्ट पर कर देना क्लिक, और यहाँ से आपको अपने जो भी आपका नाम है उसको लिख लेना है, जो भी आपके चैनल का नाम है या इंस्टाग्राम की आईडी है। भाई मेरे तो यूट्यूब चैनल का नाम MS क्रिएटिव एक्स है, तो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ डन। अगर फोन पे जाकर आपने फोन कोई भी सेलेक्ट कर लेना है जो आपको अच्छा लगे, वो सारे भाई बहुत ही सारे स्टाइल वाले फोन है इसमें। सो गाइस, मैं तो इसमें सेकंड नंबर वाला फोन चॉइस कर लूँगा। प्लीज सॉल्व, इतना हो गया डन। इसके बाद आपको स्टाइल पे कर देना है क्लिक, फोन से जस्ट बराबर में है, और आपको इसमें स्टॉक वाले ऑप्शन में कर देना क्लिक, और यहाँ से कर ले लेना ब्लैक वाला स्टॉक, और इसको भाई अच्छी तरह से आपको एडजस्ट कर लेना। तो आप देख सकते हो गाइस, टेस्ट में ये ब्लैक ब्लैक जो साइड में सर्कल आ रहे हैं, तो आप इसको डार्क या हल्का कर सकते हो। और यहाँ से शैडोज को आप ब्लैक वाले को इसको फुल कर देंगे फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन को, और जो इसका सेकंड नंबर वाला ऑप्शन है इसको आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो भाई थोड़ा डार्क डार्क ब्लर सा आ रहा है आप देख सकते हो टेस्ट में। तो भाई मैं तो इसको कितना रखूँ, इसको अपने हिसाब से रख सकते हो, मैं 60 के अराउंड में रख लेता हूँ इसके आसपास। इतना करने में यहाँ से कर देंगे राइट, तो इतना हमारा काम डन होने के बाद यहाँ से वीडियो कर देंगे एक्सपोर्ट, सेव टू ड्राइव पे कर देंगे क्लिक, वीडियो हमारी एक्सपोर्ट हो चुकी है, यहाँ से कर देंगे डन। करने के बाद आपको सामने दोबारा न्यू प्रोजेक्ट पे कर देना क्लिक, और अपने वीडियो को ऐड कर लेना। हमारी तो वीडियो आ चुकी है, आप सभी देख सकते हो। तो गाइस, हमारी वीडियो ये वाली है, तो मुझे इसमें क्या करना है, आपको नीचे ऑप्शन देना ओवरले, इस वाले ऑप्शन पे कर देना क्लिक, ऐड ओवरले पे कर देना आप सभी को क्लिक, जो अभी आपने वीडियो एक्सपोर्ट करी थी। तो यहाँ से मैंने वीडियो ऐड कर ली है, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं साइड वाले को, हमारी वीडियो आ चुकी है। सो गाइस, हमारी वीडियो है कुछ 3 सेकंड ही है, तो मुझे इस वीडियो के साइज़ मतलब वीडियो के साइज़ को थोड़ा आगे बढ़ाना है, मतलब सेकंड को इंक्रीज़ करना है, तो मैं इसकी स्पीड को यहाँ से कम कर देता हूँ, क्योंकि भाई मेरी जो इससे बैक वाली वीडियो है वो 15 सेकंड की है, तो इसको मैं अपनी 15 सेकंड के अकॉर्डिंग कर लेता हूँ। जैसे तो 15 सेकंड हो गया, यहाँ से कर देते राइट। गाइस, हमारा इतना हो गया काम, इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, आपको लेयर पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने नीचे ऑप्शन देखेगा ये वाला ब्लाइंड, इस पर कर देना आप सबको क्लिक, ये रहा आपके सामने ऑप्शन। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा ओवरले, सो गाइस ये वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना ओवरले वाले पर, और यहाँ से कर देंगे राइट। इतना करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आया कटआउट, इस वाले ऑप्शन में कर देना क्लिक, यहाँ पे कर देना क्रोमा की पे क्लिक, और यहाँ से आपको एक सर्कल आएगा गोल गोल अराउंड, आपको इस वाले सर्कल को कहीं भी ग्रीन रंग पे टच करके छोड़ देना है। आपके इस वाले ऑप्शन कर देना है इंक्रीज अराउंड 50 के आसपास, और आपके शैडोज को भी अपनों रख लेना है 50 या 60 के अराउंड में। इतना करने के बाद यहाँ से कर देंगे राइट। गाइस, हमारा ये कुछ ग्लो वाला टेस्ट हो चुका है ऐड, तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो वीडियो में। तो मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूँ, और इसको थोड़ा वीडियो में नीचे साइड एडजस्ट कर देता हूँ। तो आप सभी देख सकते हो कि ये वाला टेस्ट कितने ज़्यादा ग्लो कर रहा है वीडियो के अकॉर्डिंग, भाई साहब बहुत ही तकड़ा लग रहा है, देख लो भाई क्या तकड़ा लग रहा है। इतना काम डन होने के बाद यहाँ से वीडियो को एक्सपोर्ट कर देंगे, आपको कोने में ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर कर देंगे क्लिक, यहाँ से कर देंगे सेव टू ड्राइव।